मदीने के जो कुएं थे पूरा उसके अंदर पानी नहीं होता था, एक कुआं था जो कसरत के साथ पानी देता था और जिसका पानी मीठा था, और वो कुआं वो यहूदी के पास था, यहूदी की मलकियत में उसके कब्जे में था। उसे बीरे रूमा कहते थे पहले, उस वक्त बीरे रूमा कहते थे, और फिर आज उसे बीरे उस्मान कहते हैं। आज भी वो कुआं मौजूद है, आज भी वो कुआं वो मौजूद है, और अहले मोहब्बत उसकी जियारत करते हैं जाकर। जब मदीना के लोगों पर पानी पूरा नहीं हो रहा था तो लोग आकर शिकायत करते, या रसूलल्लाह वो यहूदी हमें तंग करता है, हमारे साथ मामलात सही नहीं रखता, कभी हमें पानी दे देता है, कभी दुधकार देता है, बाहर निकाल देता है, बड़ी तकलीफ है हमें। तो कभी वो पानी दे देता, कभी पानी ना देता। सहाबा आकर, मुसलमान आकर नबी पाक की बारगाह में शिकायत करते तो नबी पाक ने एक दिन कहा, कौन है जो उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे और जन्नत में उसके लिए कुआं तैयार है। सैयदना उस्मान गनी उठे, उठकर उसके पास गए और उसे कहा कि ये कुआं तू हमें फरोख्त कर दे, बेच दे। अब तारीख की मुख्तलिफ रवायात हैं, एक रवायत यह है कि उसने आधा कुआं फरोख्त किया, आधा रख दिया। एक कुआं है कि उसने 40,000 दीनार में, 20,000 दीनार में, 35,000 दीनार में और 40,000 दीनार में उसने फरोख्त किया। एक रवायत जो है, ये आधा कुआं जो फरोख्त किया ना, उसने पैसे लिए, उसने कहा कि आधा कुआं मैं फरोख्त करता हूं और आधा अपने पास रखता हूं मैं। अब कुआं दो तो नहीं हो सकते ना, आधा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन आप इस्तेमाल करें और एक दिन मुसलमान इसको इस्तेमाल करें। यह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत है। जो हुक्मरान होते हैं ना, जो अमीर होते हैं, वो ज़हीन होते हैं, बुद्धू नहीं होते वो। इसको मैं की आधी कीमत अदा करता हूं, आधा हक हमारा है, आधा हक तेरा है। उसने कहा ठीक है, मुआहिदा हो गया। अब जब मुसलमानों का दिन आता तो मुसलमान जमा होते कसरत के साथ, और एक दिन का नहीं, दो दिन का पानी वो लेकर जाते घर में, दो दिन का पानी वो अपने साथ ले जाते कसरत के साथ। और दूसरा दिन जब यहूदी का आता तो उस दिन वो सारा कुआं खाली होता, कोई खरीदने वाला नहीं होता था। वो परेशान हो गया, ये मैंने कैसी बिजनेस डील की है, ये कैसी कारोबारी डील हुई है कि मैं अपना आप बेच चुका हूं और मेरा ये मामला खत्म हो गया, कारोबार नुकसान में चला गया है। तो उसने तंग आकर वो बकिया हिस्सा जो है वो भी बेच दिया। ये वो सैयदना उस्मान गनी की जहानत थी। अब जब दूसरा हिस्सा भी उसने बेच दिया तो वो मुआहिदा तय हुआ, कागज पर लिखा गया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना उस्मान गनी ने आकर पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीजिए, ये जो बीरे रूमा था ना, मैंने वो खरीद दिया है, तो जो आपने कहा था कि जो इसको खरीदेगा उसके लिए जन्नत की बशारत है, क्या वो आप भी वो बशारत मौजूद है? नबी पाक फरमाया हां, क्यों नहीं उस्मान, तूने इस बीरे रूमा को खरीदा है, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। आज वो बीरे उस्मान के नाम से मारूफ है और मौजूद है, वो बीरे रूमा जिसे कहा जाता यहूदियों के कब्जे वाला, अब वो मुसलमानों के कब्जे में है और उसे बीरे उस्मान कहा जाता है। उसके खरीदने पर सैयदना उस्मान गनी ने वो खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया और आज भी मुसलमान उससे नफा हासिल कर रहे हैं।